नमस्कार प्रिय दर्शकों, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। झारखंड के जामतारा में साइबर अपराधियों की ऐसी ही पाठशाला चल रही है कि इस पाठशाला से निकले साथी साइबर अपराधी देश के कोने कोने में सोशल साइट के माध्यम से विभिन्न बैंकों के कस्टमर केयर बनकर पहले आपसे बैंक खातों के वेरिफिकेशन और KYC के नाम पर सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर बैंक खाते से उपभोक्ता की गाढ़ी कमाई को निकाल लेते हैं। आजमगढ़ पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह के सदस्य को झारखंड प्रांत से गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी फरार हो गया है। पुलिस अधीक्षक का दावा है कि इस गिरोह के सदस्यों ने अब तक करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आया शख्स सुमंत कुमार सिंह बेडोडी गिरडीह झारखंड प्रांत का निवासी है। यह गिरडीह के जामतारा में चल रही साइबर अपराधियों की पाठशाला से निकाला और अपने साथियों की मदद से आजमगढ़ में भी कई घटनाओं को अंजाम दिया। इसके साथ ही देश के विभिन्न प्रांतों में इस गिरोह के सदस्यों ने आमजन के साथ अधिकारियों के भी बैंक अकाउंट को खाली कर दिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर साइबर सेल की मदद से आरोपी को झारखंड प्रांत से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके पास से मोबाइल फोन और नकदी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जामतारा के गिरिडीह में साइबर अपराधियों का हब है। यहाँ से सोशल साइटों के माध्यम से बैंक कंपनियों के टोल फ्री नंबर देते हैं। इसके बाद इस पर फोन करने वाले उपभोक्ताओं से बैंक खाते के वेरिफिकेशन और KYC के नाम पर सारी जानकारी लेते हैं और बैंक खाते से सारे रुपए निकाल लेते हैं। पुलिस इनके गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार करने का पुलिस दावा कर रही है। ये जामतारा और गिरडी के आसपास ये लखन मंडल है, ये जामतारा का रहने वाला है और ये बहुत बड़ा गैंग चलाता है वहाँ पे। ये गैंग ये साइबर क्रिमिनल्स का बड़ा गैंग है जो जामतारा और गिरडी से ऑपरेट करते हैं। ये तीन तरह के कई अपराध कर रहे हैं। एक तो USST से जो पैसा ट्रांसफ़र होता है उससे, दूसरा ये क्या काम करते हैं कि अपना ही नंबर जो है ये किसी कंपनी का दिखा करके, इस कंपनी का कॉल सेंटर है, ये अपना नंबर किसी वेबसाइट पे डाल देते हैं या फेसबुक पे डाल देते हैं और जब आदमी उस कंपनी का कॉल सेंटर का नंबर खोजता है तो इनके नंबर मिलते हैं। जब वो बात करता है कि हमको इस तरह की सर्विसेज चाहिए तो ये कहते हैं अच्छा ठीक है, हम एक दूसरे अकाउंट से आपसे वो कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा पैसा जमा करना पड़ेगा और आपको ये सर्विसेज मिल जाएंगी। तो आदमी यकीन करता है कि चूँकि कॉल सेंटर है और कॉल सेंटर का नंबर गूगल पे दिया हुआ है, यकीन करके वो थोड़ा सा पैसा ट्रांसफ़र करता है। इस तरह से उसका पूरा अकाउंट टेक ओवर कर लेते हैं। ये पहले क्या काम करते हैं, उससे कहते हैं कि आप एक रिमोट एक्सेस टूल डाउनलोड कराते हैं, वो जानता नहीं है, वो कहते हैं प्ले स्टोर में जाओ और प्ले स्टोर में जा कर के एनी डेस्क डाउनलोड करो और कहते हैं कि एनी डेस्क की जो ID है वो हमको बताओ। जब वो ID बताता है तो साइबर क्रिमिनल वहीं से उसके पूरे मोबाइल फ़ोन को हैक कर लेता है। पूरा जो भी अब हमारे मोबाइल फ़ोन पे होगा वो देखेगा, तो कहता है कि ठीक है आप डेबिट कार्ड से 2 रुपये का तुम ट्रांजेक्शन करो और ट्रांजेक्शन करने के बाद आपको हम ये करते हैं। तो वो 2 रुपये का जैसे ट्रांजेक्शन करता है अपने डेबिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन देता है और CVV और एक्सपायरी डेट भरता है, तो वो खुद क्लिक कर, जैसे वो कहता है चेक क्लिक करिए तो आता है आपका OTP। चूँकि वो रिमोट एक्सेस लिया हुआ है आपके मोबाइल फ़ोन का तो वो OTP रीड कर लेता है। तो अब क्रिमिनल के हाथ में आपका डेबिट कार्ड हो गया, एक्सपायरी हो गया और CVV हो गया। और पेमेंट करने के लिए इंडिया में अगर हम पेमेंट करना चाहते हैं तो OTP चाहिए। चूँकि आपके मोबाइल फ़ोन का OTP वो खुद रीड कर रहा है, स्क्रीन पे देख रहा है, तो वो बार बार अपने यहाँ से पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है और जो OTP आ रहा है वो आपके फ़ोन पे देख रहा है। तो इस तरह से बहुत लोग, इंडिया में बहुत लोग शिकार हो रहे हैं। मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई आदमी ये कहता है दूर से कि आप जो है ये प्ले स्टोर पर जाकर के ये एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और अपनी ID दीजिए, तो कतई न दीजिए, हजारों लोग इसके शिकार हो चुके हैं, आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। तो ये गैंग वही काम करता था, ये रिमोट एक्सेस टूल कहते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा डेस्कटॉप पे भी टीम व्यूअर लगाते हैं, उसी तरह एनी डेस्क टीम व्यूअर ये एप्लीकेशन डाउनलोड करा करके आपका पूरा अकाउंट जो है ये खाली कर देते हैं। ये इसमें 3 और वांटेड हैं, जो जामतारा का रहने वाला है लखन मंडल, उसको हम लोग शीघ्र गिरफ्तार कर लें। गिरडी के और 2 लड़के हैं, उनको भी हमारी टीम जा रही है गिरफ्तार करने के लिए। ये हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन तब शुरू किया जब नोएडा में एक क्राइम किया हुआ है और हमारे यहाँ पवई थाने में भी इसी तरह का क्राइम रजिस्टर हुआ था, जिसको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि ये यही गैंग है। नोएडा वाले क्राइम में भी यही है और हमारे पवई थाने में जो केस रजिस्टर हुआ है वो भी यही है।